नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। भाई ऑनलाइन सिस्टम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो चेक के मामले भी बढ़ते जाते हैं। हर किसी को आप पैसे दे रहे हैं चेक से दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं चेक से ले रहे हैं, आप गारंटी दे रहे हैं चेक से दे रहे हैं। आजकल इंसान की वैल्यू नहीं है, चेक की ज़्यादा वैल्यू है, खास तौर से दुबई जैसी वी जैसी कंट्री में। इंडिया में तो फिर भी भाई चेक की वैल्यू इतनी नहीं है, क्योंकि चेक के मामले इंडिया में 20 लाख से ऊपर पेंडिंग पड़े हैं। 138 के केस में कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं, बंदा घूमता रहता है, कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वी में इसको आपराधिक मामला बना दिया गया है, यानी आपराधिक कानून बना दिया गया है। इसलिए वी में मतलब किसी को मारते हुए जितना डर नहीं लगता जितना केस का डर लगता है चेक बाउंस का। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि आपने किसी को चेक दिया, उधार लिया, कैसे भी आपने उनको बदले में चेक दे दिया कि भाई आप तू रख ले, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मुझे चेक रिटर्न कर देना या चेक आप बुना लेना, कैंसिल अपना अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना। जी हाँ, जन चाहे कोई भी हो सकता है, आप उधार ले रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, बिजनेस में आप कुछ पैसे लगा रहे हैं, तो आपको पैसा ले रहे हैं तो भी चेक देना होता है, और पैसे दे रहे हैं तो भी चेक देना होता है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी को चेक दे दिया और आप उस टाइम इंडिया दुबई में नहीं है, बाहर हैं, या आपको पता भी नहीं है, बंदे को आपने बोल रखा था भाई तेरे पैसे दे दूंगा, थोड़ी लेट हो गई, रुक जा। बंदे ने क्या किया, पीछे से आपको तो बताया नहीं और चेक बाउंस करवा के चेक मुकदमा, क्योंकि दुबई में चेक का मुकदमे बहुत जल्दी लगा देते हैं लोग, क्योंकि इसको आपराधिक मामला बना दिया गया, इसलिए बंदा डर जाता है और कानूनी कार्रवाई होती है, पुलिस अरेस्ट करती है, तो वो लंबा प्रोसेस चला जाता है। आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ केस भी हो गया और कोर्ट का फैसला भी हो गया और आपको पता ही नहीं लगा। उस दौरान कोर्ट ने आपको सजा भी सुना दी कि भाई इसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, अब आप क्या करोगे, जबकि आप तो पैसा देने के मूड में थे, आप मना थोड़ी कर रहे थे। तो उस दौरान आपको क्या ऐसा प्रोसेस है कि आपको इस कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके, तो आपके पास दो अल्टरनेट बचते हैं भाई। जी हाँ, पहली बात तो ये कि कोर्ट ने सजा सुना दी तो सजा तो होगी, ठीक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि चेक तो आपने दिया है, टाइम पे क्लियर नहीं करवाया, गलती आपने की है, कोर्ट की बंदे की तो गलती नहीं है, समझ गए, क्योंकि चेक में अगर डेट भी भर के दी है तो डेट उससे पहले तो नहीं लगा सकता। जैसे आपने एक महीने आगे का चेक दिया है तो 10 दिन बाद तो नहीं लगा सकता, बंदे तो एक महीने बाद चेक लगाया, इसका मतलब वो तो राइट है। अब आपने उनको बोल दिया यार तू रुक जा मैं दे दूंगा, तो वो गलती आपकी है, तो सजा तो होनी चाहिए। फिर भी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। जी हाँ, कोर्ट कार्रवाई से, पुलिस से कार्रवाई से रोका जा सकता है आपके खिलाफ में। जी हाँ, कैसे रोका जा सकता है बता दूं, अगर आपकी गैर मौजूदगी में निर्णय हो जाता है, कई रीजन, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है जी, तो बता दूं अनुच्छेद 229 के अनुसार 2005 में एक ऐसा ही कुछ फैसला आया था, उसमें 29 का एक कानून बना हुआ है, उसमें ये प्रावधान बताया गया है। जी हाँ, कि उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, सजा आपको सुना दी गई है, आप संपूर्ण राशि कोर्ट में जमा कराएं, जी हाँ, और कोर्ट से आप निवेदन करें, 7 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन वो आप निवेदन करें कि मैं गलती से, मेरी गलती हुई, मैं वहाँ यहाँ नहीं था, अगर मैं यहाँ होता, आपकी तरफ से जो भी आपको बोलना होता है आप इस तरह से आपको बोलना होता है। जी हाँ, और अपन जिस कोर्ट में ये फैसला हुआ है वहाँ पूरे पैसे जमा करवा दिए, प्लस आप आवेदन करें कि मेरे खिलाफ में इस कार्रवाई को रोका जाए, जी, तो लगभग चांसेस हैं कि वहाँ पे आपकी कार्रवाई स्टॉप की जा सकती है, आपको जेल जाने से बचा जा सकता है। अगर फिर भी वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो आपको ऊपरी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो वो कोर्ट है उसके जो सीनियर कोर्ट है वहाँ पे आपको उस फैसले को चुनौती देनी पड़ेगी, चुनौती के तौर पे अपील करनी पड़ेगी कि मेरी गैर मौजूदगी में ये फैसला हुआ है, जबकि मैं पैसा देने के लिए तैयार था और मुझे बिना बताए चेक लगाया, वगैरह वगैरह, जो तो आप वकील एडवोकेट करोगे वो अपनी तरफ से पूरी प्रोसेस कर ही देता है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस कोर्ट में बता दूं एक्ट 234 के तहत ये पूरा प्रोसेस चलेगा, आप अपना फैसला रद्द करवा सकेंगे वहां पे। जी हाँ, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है, 15 दिन के अंदर ये अपील आपको करनी पड़ेगी। जी, ये भी 2005 में एक संशोधन कानून बना था, चेंज किया गया है, 29 के अनुसार ये कार्रवाई आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं, दोनों में फर्स्ट में कोर्ट में आप जाइए, निवेदन करें, पैसे जमा करवा दें, रसीद आपके पास है, फिर भी कोर्ट नहीं मानता है तो ऊपरी कोर्ट में निचले वाले कोर्ट के खिलाफ में चुनौती दें कि भाई मैंने पैसे जमा करवा दिए, मैंने ऐसी गलती, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे कि भाई मेरे ये रीज़न था, इस वजह से मैं मौजूद नहीं हो सका, मुझे पता नहीं लगा, और या आप उनके खिलाफ में जो भी है आपका एडवोकेट करेगा, आपको उनको सच्ची जो बात सच है वो बतानी पड़ेगी। 15 दिन के अंदर ये आप कर सकते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। तो बस साथियों, यही था भाई, चेक से रिलेटेड अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप इस तरह से बच सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।